हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनमे क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपनी शॉप, अपने बिजनेस या फिर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी आपका फर्म है, आप उसको ऑनलाइन गूगल पे कैसे ला सकते हैं, यानी आप गूगल मैप पे या गूगल पे उनको कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आज ये पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट कर। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से भी काम कर सकते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च कीजिए यहाँ पे मैप, आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं मैप। बहुत ज्यादा आसान है, किस तरह से होगा मैं सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली ओपन करना है मैप, मोबाइल में आप मैप ओपन भी कर सकते हैं, मैप जो ऐप आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे तो आपके और भी डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अभी क्या करना है, आपकी कोई प्लेस, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं मैप पे, तो आप क्लिक करेंगे ऐड योर बिजनेस। यहाँ पे लिखा है ऐड ए मिसिंग प्लेस, आप इसमें कंट्रीब्यूटर बनकर मिसिंग प्लेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते। कैसे करेंगे, ऐड योर बिजनेस पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं इसको मैप पे ऐड करना, तो ऐड ए मिसिंग प्लेस पे क्लिक करेंगे। मिसिंग प्लेस का मतलब ये है कि आपका बिजनेस ऑलरेडी है लेकिन वो मैप पे शो नहीं कर रहा, तो आप ऐड मिसिंग प्लेस पे क्लिक कर ऐड करा सकते हैं। इसी तरह से ऐड योर बिजनेस पे अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये दो है, पहले एक ही था मैप, लेकिन अब एक और बढ़ चुका है बिजनेस। बिजनेस का बहुत ही पावरफुल टूल है, इसका यूज कैसे करना है इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले बना के रखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हैं। आज मैं केवल बताने वाला हूँ गूगल मैप पे आप इसको कैसे रजिस्टर करेंगे। ऐड ए मिसिंग प्लेस पे क्लिक करेंगे और मैं साथ में ये बताऊंगा, जब आप ऐसे अपग्रेड करते हैं लोकेशंस को, तो आपको गूगल कुछ रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड में आपको कुछ सरप्राइजेस, गिफ्ट मिल सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर होते हैं जो कि, या फिर आपको ईमेल के थ्रू कुछ कूपन्स मिलते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी शॉपिंग पे, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलते हैं, गूगल आपको उसके लिए पे भी करता है, आपको कुछ इवेंट कराने के लिए आपके अकाउंट में पैसे भी भेजता है गूगल, अगर आप एक अच्छे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप इसके लेवल्स को पार करते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। कैलिफोर्निया में इनका एक समिट होता है हर साल, जिसे गूगल समिट बोलते हैं। गूगल समिट में आपको इनवाइट किया जाता है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपने बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में वहाँ लोगों को बता सकते। पूरी ट्रिप का खर्चा गूगल खुद ही उठाता है, तो आप एक लोकल गाइड की तरह पार्ट टाइम अच्छा काम करके यहाँ पे भी अच्छा खासा आप इसको बना सकते हैं अपना। तो अभी मैं मिसिंग प्लेस पे था, यहाँ पे अपने शॉप का नाम डालेंगे। जैसे मान लिया आपके शॉप का नाम है, कोई भी शॉप है आपकी, आप उसका बस नाम जस्ट यहाँ पे टाइप कर दीजिए। शॉप कोई भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई किराना स्टोर है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप डांस क्लास है, जो भी, बस आप यहाँ पे सिंपल उसका नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने अभी कर दिया, यहाँ पे कोई डांस क्लास है हमारे, तो हमने दे दिया यहाँ पे डांस क्लास। डांस क्लास का आपका जो भी नाम हो वो भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे, तो आप फूड, ड्रिंक, शॉपिंग, सर्विस, होटल, तो इस तरह से आप चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें सर्विस ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं आपकी कैटेगरी से। आप डांस सिखाते हैं, यहाँ पे आप चूज करते हैं डांस कंपनी, डांस हॉल, डांस हॉल, तो आप क्या करते हैं ना, तो आप इस तरह से आप ना चूज कर सकते हैं। कोई होगा तो मान लो हमारा डांस स्कूल है, तो आप चूज कर लेंगे डांस स्कूल, कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे अपनी लोकेशन अपडेट करेंगे मैप पर कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, तो आपके लोकल एरिया का मैप यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ना हो तो आप माइनस पर क्लिक करके अपनी जो स्टेट है अपने हिसाब से चूज कर लें। तो अभी तो ये जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के ऑटोमेटिक यहाँ पे लोकेशन आ चुकी है। अब जो रेड दिख रहा है ना यहाँ पे, इस रेड को मुझे उस पे रखना है जहाँ मेरी शॉप है। पूरा मैप मेरे सामने आ रहा है, तो इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरी लोकेशन कहाँ है। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट आप जिस डिवाइस पर यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, इनकेस अगर नहीं करता तो आप चूज़ कर लीजिए, या फिर आपकी शॉप कहीं और है, आप घर से कर रहे हैं, तो आप वो एड्रेस अपना यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे मान लो मेरा जो ये शॉप है डांस क्लास, ये है शिव मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास कहाँ है, तो आप मैप में ऐसे लोकेशन ढूंढते हो उसी तरह से। शिव मंदिर में आपके इस तरफ है या इस तरफ, जहाँ भी है वहाँ पे बस इस रेड कर्सर को वहाँ रोक दीजिए। अभी मैंने मान लिया, मान लो मेरी जो है इस तरफ है, जहाँ भी है बस आप इसको कर्सर को रख दीजिए ये, और इसको कर दीजिए डन। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपने ओपनिंग आवर्स डाल सकते हैं कि आपका जो डांस क्लास है वो कब से कब तक खुलता है, कब क्लोज रहता है, तो आप इनको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट आवर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स खुलता है तो नॉर्मल सी बात है, डांस क्लास है 24 आवर्स तो नहीं खुलेगा। तो फिर आप यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब वो डे जिस डे आपका क्लास खुलता है, तो संडे को ऑफ रहता है तो मैंने इसे नहीं रखा। इसके बाद आपकी टाइमिंग क्या है, तो आप यहाँ टाइमिंग चूज करेंगे एड आवर्स में, तो अपना खुल जाता है सुबह 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, जो भी टाइम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 9। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे कितने बजे तक खुलता है शाम को, तो वो टाइप कर सकते हैं, तो सुबह के 9 बजे और बंद होता है शाम को 5 बजे, इस तरह से हम डाल सकते हैं। पी दबा दीजिएगा, पीएम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे ओपनिंग टाइम अगले,
ये इसलिए कैसे डे वाइज डे अगर हम बताना चाहें, लेकिन अपना एक ही काफी है, इसको मैं हटा देता हूँ। एड आवर्स मैंने कर दी 9 से 5 से, देखिए ये 9 से 5 सेव हो चुका है, डन। यहाँ पे फोन नंबर, तो आपके बिजनेस का जो फोन नंबर है वो आप टाइप करेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। वेबसाइट यदि आपकी वेबसाइट है तो आप टाइप करेंगे। वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं इसका वीडियो मैंने अभी बोला, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। गूगल आपको फ्री में वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है, कैसे बनाते हैं वो आप उसमें देखिएगा। आपके बिजनेस के ओपनिंग डेट आप चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, यदि आपको पता है तो, आई डोंट नो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। पता है तो आप डाल दीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ मार्च में, मार्च के किस सन में, तो आप टाइप कर सकते हैं। और एट स्पेसिफाइड डेट्स में आप एक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 10 तारीख को या 15 तारीख को। इसके बाद अपने बिजनेस के कुछ फोटोज हैं आप अपलोड कर सकते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस रिव्यू के लिए चला जाएगा, और 24 घंटे के अंदर आपका जो मैप है, आपकी जो शॉप है, ये ऑनलाइन हो जाएगी। अभी ऐसे कोई शॉप है नहीं इसलिए मैं इसको सेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होने के बाद कैसा दिखता है वो आपको जरूर दिखा देता हूँ। पे ऑलरेडी कई सारे बिजनेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, आप अपने कंट्रीब्यूशन जो आप करते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, योर कंट्रीब्यूशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था लेवल्स की, देखिए यहाँ पे लेवल्स बढ़ते हैं, लेवल 6, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह के। तो आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया होगा वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि आपने कहीं घूमने गए, आपने उसके बारे में रिव्यू कर दिया, तो आपको इसके पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे रिव्यूज करने के, फोटोज के। ये ऑटोमेटिक चलता है, आपको कुछ भी नहीं करना, मैप पे आना है, आपको जो लोकेशन अच्छी लगती है आप उनको उनका उनके बारे में कमेंट्स करने हैं, कोई मिसिंग प्लेस है तो आप उसको ऐड करना है। मिसिंग प्लेस ऐड करने पे 15-20 पॉइंट्स मिलते हैं, इस तरह से फोटोज अपलोड करने पे 5-10 पॉइंट्स मिलते हैं, रिव्यूज करने पे 1-2 पॉइंट्स मिलते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा लेवल आपका होगा, ठीक है। लेवल अच्छा करने के लिए आपको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स करनी पड़ेंगी, फोटो अपलोड करनी पड़ेंगी। आप गूगल मैप की अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपकी वीडियो समझ में आएगा। तो रोशनी।